श्रद्धा मूर्ति देवियों। भक्त श्री लल्लू राम जी ने जो मकान बनवाया है, आज हम सब उस मकान के उद्घाटन के अवसर पर एकत्र हुए हैं। लल्लू राम जी ने तो मकान बनाया, लेकिन आगे अब इस मकान को घर बनाना है। आप कहेंगे कि मकान और घर में क्या अंतर है? बहुत अंतर है। मकान बनता है ईंट, सीमेंट, लोहा, खपड़ा, लकड़ी, इन सब से। घर बनता है प्रेम से, सेवा से, सहानुभूति से, समता से, एकता से, सुंदर व्यवहार से। यदि घर के रहने वाले लोग आपस में प्रेम से बात नहीं करते, एक दूसरे से सुंदर व्यवहार नहीं करते, एकता से, समता से नहीं रहते, एक दूसरे को सहन नहीं कर पाते, किंतु परस्पर लड़ते हैं, झगड़ते हैं, मनमुटाव करते हैं, लड़ाई करते हैं, एक दूसरे को देख करके ईर्ष्या द्वेष में जलते हैं, तो मकान मकान ही रह जाएगा, घर नहीं बन पाएगा, और इसमें रहते हुए किसी के मन में आनंद नहीं होगा। घर और मकान में फर्क होता है। थोड़ा सा आप उदाहरण से समझें। आप कहीं गए हैं, आपके साथ कोई आदमी है, कोई पुरुष हो या स्त्री हो, किसी ने पूछा आपसे कि ये आपके साथ आए हैं ये कौन है, तो आपने उत्तर दिया ये हमारे मकान वाले हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जिस मकान में आप किराए पर रहते हो वह आदमी उस मकान का मालिक है। मकान वाले का अर्थ क्या हुआ? मकान के मालिक ने आप नहीं हैं, किंतु वो सामने व्यक्ति जो बैठा हुआ है वह मकान मालिक है। जहां आपने कहा ये हमारे मकान वाले हैं, तो आप किरायेदार हुए और वह आदमी मालिक हुआ। मकान वाला आपके परिवार का सदस्य नहीं होगा, लेकिन थोड़ा ध्यान दें, आप कहीं गए हैं, कोई महिला है या कोई पुरुष है, पुरुष के साथ में कोई महिला है, किसी ने पूछा ये कौन है, आप कहते हैं हमारी घर वाली है। कितना अंतर हो जाता है, ये हमारी मकान वाली है और ये हमारी घर वाली है। अंतर होगा कि नहीं होगा? आप खुद समझ सकते हो। किसी महिला से पूछा गया कि आप साथ एक पुरुष है, ये कौन है, वो कहती हमारा घर वाला है, तो अलग अर्थ होगा। और वह कहती है ये हमारा मकान वाला है, तो अलग अर्थ होगा। अब आप समझ गए होंगे घर और मकान में क्या अंतर होता है। इसलिए मैंने शुरू में कहा था मकान बनता है ईंट, लोहा, सीमेंट, लकड़ी आदि से। घर बनता है आपस के प्रेम से, सुंदर व्यवहार से, सेवा से, सहायता से, एकता से, समता से, एक दूसरे के प्रति समर्पण से। जिस घर के लोग आपस में एक दूसरे के प्रति समर्पित हैं, एक दूसरे की कटु बात को सहन कर लेते हैं, स्वयं कटु बात नहीं कहते, लेकिन किसी की जबान से भूलवश कटु बात निकल गई तो उसको सुन करके शांत रह जाते हैं, और कटु बात कहने वाले के साथ भी प्रेम पूर्वक सुंदर व्यवहार करते हैं, सेवा करते हैं, तो वह घर फिर घर नहीं रह जाता, वह घर मंदिर बन जाता है। तो सबसे पहले आपको यह देखना है कि जो मकान आप बनाए हैं वह मकान घर कैसे बने। कितना बड़ा मकान आपका है इसका महत्व नहीं है। मकान में
आप कैसे रहते हो महत्व इसका है। किसी कवि ने कहा है, अच्छा मकान बनवाना बड़ी मेहनत का काम है, लेकिन अच्छे मकान में अच्छे ढंग से रहना और मेहनत का काम है। बड़ी मेहनत किया आदमी ने, खेती किया, व्यापार किया, नौकरी किया, मजदूरी किया, और मजदूरी करके खेती व्यापार करके पैसा इकट्ठा किया, वर्षों इकट्ठा करता रहा, इकट्ठा करते 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 कुछ पैसे इकट्ठे हो गए, तब उन्होंने धीरे धीरे सामग्री एकत्रित की, सामग्री एकत्रित की तब उन्होंने मिस्त्री बुलाया, मजदूर बुलाया, और उस मिस्त्री और मजदूर ने ईंट सीमेंट लोहा का उपयोग करके मकान बनवा दिया। उन्होंने ईंटा को पत्थर को जोड़ना शुरू किया, सीमेंट आदि मिलाया, उसमें लोहा आदि मिलाया, ढांचा खड़ा हो गया, मकान खड़ा हो गया। लेकिन क्या कोई ऐसा उपाय है, और बाहर क्या कोई ऐसा मिस्त्री है कि जिस मिस्त्री को आप बुला लो और वह मिस्त्री या वह मजदूर आप लोगों के दिल को जोड़ सके, आप लोगों को परस्पर प्रेम से बांध सके। यह काम बाहर का व्यक्ति नहीं करेगा, यह काम उस मकान में घर में रहने वाले लोगों को स्वयं करना होगा। और जितने लोग आपस में प्रेम से रहेंगे, कैसा भोजन करते हैं इसका महत्व नहीं है, बड़ा कीमती भोजन आप करते हैं और उस भोजन में मेवा मिष्ठान घी दूध अनेक प्रकार की सब्जी है, सोने चांदी की थाली है, उसमें आप भोजन कर रहे हैं, लेकिन आपस में एक दूसरे से प्रेम से बात नहीं कर सकते तो उस भोजन में आपको आनंद नहीं आएगा। और घर में रहने वाले लोग यदि आपस में जब बात करते हैं तो बहुत प्यार से बात करते हैं, मधुरता पूर्वक बात करते हैं, मुस्कुरा करके हंस करके बात करते हैं, तो नमक और भात खा करके भी आपका मन तृप्त हो जाएगा, संतुष्ट रहेगा, प्रसन्न रहेगा। गृह लक्ष्मी घर की मालकिन जब भोजन बनाती है तो प्रेम से भोजन बनाती है, यह सोचकर भोजन बनाती है कि जो मैं भोजन बना रही हूं इस भोजन का भोग देवताओं को लगेगा, भगवान को लगेगा, क्योंकि हमारे घर में रहने वाले जितने भी लोग हैं सब देवी देवता हैं, भगवान भगवती हैं, और उन देवी देवता भगवान भगवती को भोग लगाने के लिए प्रसाद अर्पित करने के लिए मैं भोजन बना रही हूं, तो उस सूखे भात में आपको बड़ा आनंद आएगा, क्योंकि वह प्रेम से बना हुआ है और प्रेम से परोसा गया है। और घर बनाने वाली देवी के मन में कटुता है, क्रोध है, वह बहुत दुखी होकर के भोजन बना रही है, ऐसा भोजन बना रही है कि मानो उसके सिर पर पहाड़ रख दिया गया है, भारी मन से भोजन बना रही है, तो हलवा पूरी भी बनाएगी ना तो मिठास नहीं आएगी, क्योंकि मन ही कुछ और है, और जब मन कुछ और होगा, जलता रहेगा, तो आपके सामने थाली आएगी तो थाली प्रेम से नहीं आएगी, आप खुद अंदाज लगा लेंगे कि भोजन परोसने वाली गृह लक्ष्मी प्रेम से थाली रख रही है या कड़ता से थाली रख रही है। जब आपको लगेगा कि जो थाली मेरे सामने आ रही है बहुत प्रेम से श्रद्धा से भक्ति से आ रही है,
सूखा भात भी होगा ना तो आपका मन भी प्रेम से लबालब भर जाएगा। और जैसे आपको लगा कि थाली मेरे सामने जो आ रही है क्रोध से आ रही है, कटुता से आ रही है, जलन से आ रही है, भले थाली में 56 व्यंजन रखे हुए होंगे आपका मन जहर से भर जाएगा, क्योंकि थाली प्रेम से नहीं आई है। परोसने वाले का मन सही नहीं है। एक देवी एक महात्मा से मिलने के लिए गई, उसके चेहरे को देख करके लगता था कि ये बहुत प्रसन्न है, अंदर से प्रसन्नता टपक रही है, उत्साह है इसके मन में। चेहरा बता देता है आदमी के मन में क्या भाव है। बातचीत चली, महात्मा ने उस देवी से पूछा कि आपके घर का क्या हालचाल है, बेटे बहू आज्ञाकारी है या नहीं है, सब आपस में प्रेम से रहते हैं या नहीं है। तो उन्होंने कहा, संत भगवान मेरे घर की बात न पूछिए, बेटे तो बेटे, तीन बहुएं हैं और तीनों बहुएं मुझे नहीं लगता कि वे मेरी बहुएं हैं, मुझे तो लगता है कि वे मेरी बेटियां हैं। जितना अपने गर्भ से उत्पन्न की हुई बेटी को मैं मानती हूं उतने बहुओं को भी मानती हूं, और मेरी बहुएं उसी प्रकार से मुझे आदर देती है, मेरी सेवा करती है, मेरी हर बात को प्यार से मानती है। और उन्होंने कहा उस देवी ने कि मैंने अपने तीनों बहुओं को कह दिया है कि देखो तुम तीनों को समय समय से भोजन बनाना होगा, आज कोई बनाएगी, कल दूसरे बनाएगी, परसों तीसरी बनाएगी, लेकिन एक चीज ख्याल रखना, जिस दिन तुम्हारे मन में किसी बात को लेकर के कोई दुख होगा, कोई चिंता होगी, तुम्हारे मन में कोई कटुता होगी, क्रोध होगा, उस दिन तुम भोजन मत बनाना, क्योंकि उस दिन तुम क्रोध से भोजन बनाओगी तो घर वालों को भोजन नहीं खिलाओगी, जहर खिलाओगी। इसलिए जब तुम्हें लगे कि आज मेरे मन में क्रोध है किसी बात को लेकर के, कह देना कि माँ जी आज मैं भोजन नहीं बनाऊंगी, भोजन मैं स्वयं बना लूंगी, लेकिन तुम लोग भोजन न बनाना। और महाराज जी ऐसा है मेरे घर में, ऐसे प्रसंग आया नहीं, मेरे तीनों बहुएं आपस में बहन के समान रहती है, कोई अंदाज भी नहीं लगा सकता है कि ये तीनों बहुएं तीन घर से आई हुई है, सगी बहन के समान रहती है और उतने ही घर वालों को प्यार देती है। ऐसे घर में ही स्वर्ग का निवास होता है। आपको अपने घर को स्वर्ग बनाना होगा। लोग कहते हैं कि जो आदमी इस जीवन में धर्म पुण्य करता है, परोपकार करता है, सेवा करता है, भक्ति करता है, मरने के बाद उसे स्वर्ग मिलता है, वह स्वर्ग में जाता है। लेकिन यदि जीते जी हमारा जीवन स्वर्ग नहीं बना, जीते जी हमारा परिवार स्वर्ग नहीं बना, तो मरने के बाद भी हमें स्वर्ग नहीं मिलेगा। इसलिए हमें अपने जीवन को स्वर्ग बनाना है और अपने घर परिवार को स्वर्ग बनाना है। अब वो कब होगा? जब हमारे मन के अंदर जो कटुता है, कलुषता है, वह दूर होगा। तब आप लोगों ने देखा होगा कि एक पत्थर कहीं पड़ा होता है, हम और आप उस पत्थर को देखते हैं, हमारे लिए पत्थर की कोई बड़ी कीमत नहीं होती है, लेकिन एक कलाकार उस पत्थर को देखता है, एक मूर्ति बनाने वाला मूर्तिकार उस पत्थर को देखता है,
उस पत्थर को देखकर उसके मन में एक दूसरी भावना होती है। दूसरे दिन वह छीनी और हथौड़ी लाता है, उस पत्थर को टांकना शुरू करता है, छीलना गढ़ना संवारना शुरू करता है, और छीलते गढ़ते संवारते संवारते पत्थर के जो तमाम अंशों को काटते 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 उन्होंने बहुत काट लिया। तब फिर वो पत्थर पत्थर नहीं रह गया, वह पत्थर मूर्ति बन गया, और मूर्ति ही नहीं रह गया, वह पत्थर भगवान बनकर किसी मंदिर में प्रतिष्ठित हो गया। कैसे वो पत्थर भगवान कैसे बना? वैसे क्यों वैसे उठाकर ले जाते तो कोई उसकी पूजा करता, उसको प्रतिष्ठित करता? ऐसे नहीं हुआ। पहले यह हुआ है, उस पत्थर को छीनी हथौड़ी की चोट सहनी पड़ी है, बहुत प्रतिकूलता सहन करनी पड़ी, बहुत चोट सहनी पड़ी है, और चोट सहन के पश्चात उस पत्थर में जो बेकार के अंश थे वे बेकार के अंश दूर हो गए। चोट सहने और बेकार के अंश दूर होने के पश्चात उसके अंदर जो सुंदरता थी, वास्तविकता थी, वो प्रकट हो गई। तब वह भगवान बन करके किसी मंदिर में विराजमान हुआ है। ऐसे ही हमारा ये शरीर, हमारा ये जीवन भी भगवान का मंदिर बन सकता है। आपके भीतर भगवान विराजमान हो सकते हैं, लेकिन कब? तब जब हमारे भीतर की जो गंदगी है वह दूर हो जाएगी, तब भीतर के जो कलुष हैं, भीतर की जो कटुता है, भीतर के जो विकार हैं, वे दूर हो जाएंगे, तब आपका शरीर, हमारा शरीर मंदिर बन जाएगा, और इसमें निवास करने वाला आत्मा आत्मा नहीं रह जाएगा, वह परमात्मा हो जाएगा। और जिसके जिसका जीवन मंदिर हो गया, वह जिस घर में निवास करेगा वह घर भी मंदिर हो जाएगा। घर में रहने वाले जितने भी लोग हैं सबको अपना जीवन वैसे ही बनाना होगा। और इसके लिए आवश्यक क्या है? अपने स्वार्थ और अहंकार का त्याग करना। जो अपने स्वार्थ को अहंकार को जितना त्याग कर सकेगा, जो वस्तु को महत्व नहीं देगा किंतु जो व्यक्तियों को महत्व देगा। जब हम वस्तुओं को महत्व देते हैं तब व्यवहार बिगड़ता है, और जब हम व्यक्तियों को महत्व देते हैं तब व्यवहार सुंदर होता है, सुंदर प्रेम होता है, और जीवन आदर्शमय बन जाता है। कहानी आप सब जानते हैं कि जब व्यक्ति को महत्व दिया जाता है तब कैसी सुंदर प्रसंग उपस्थित होता है। याद करें, महाराज राम को कहा गया था कि कल सुबह तुम्हारा राज तिलक होगा, राजगद्दी होगी, लेकिन रातों रात घटना ऐसी बदली कि सुबह राम को बताया गया कि राज्य भरत को मिलेगा और तुम्हें 14 साल के लिए वनवास जाना होगा। राम ने ये नहीं कहा, एक जवान भी नहीं कहा कि मैं बड़ा हूं और राज्य पर मेरा अधिकार है, कौन होते हैं आप लोग मुझे वनवास देने वाले। जैसे उन्होंने सुना कि राज्य भरत को मिलेगा, वे बड़े प्रसन्न हो गए और उन्होंने भाई भरत के लिए राज्य का त्याग कर दिया, जंगल चले गए। भरत अपने ननिहाल से जब वापस आए
और उन्होंने सारी बात सुनी, तब उन्होंने कहा राज्य का मालिक, राज्य का अधिकारी तो बड़ा भाई है, इस राज्य को लेकर के मैं क्या करूंगा। जिस राज्य के लिए बड़े भाई को जंगल जाना पड़ा, वह राज्य मेरे किस काम का, मैं राज्य नहीं करूंगा, मैं तो इस राज्य को बड़े भाई के चरणों में समर्पित कर दूंगा। वे गए चित्रकूट और चित्रकूट जाकर के राज्य को राम के चरणों में समर्पित कर दिए कि भैया राज्य के मालिक आप हैं, आप चलिए। तो राम ने कहा नहीं भरत, पिताजी ने मुझे वनवास दिया है और तुम्हें राज्य दिया है, इसलिए तुम जाओ। तो भरत ने कहा भैया ऐसा करते हैं, पिताजी की यही आज्ञा है ना कि एक भाई जंगल में रहे और एक भाई राज्य करे, तो ऐसा करते हैं आप चले जाइए अयोध्या, आपकी जगह 14 साल का वनवास मैं करता हूं। सोच सकते हैं कि भरत के मन में राम के प्रति कितना आदर की भावना है। उन्होंने कहा आप अयोध्या लौट जाएं और मैं वनवास करता हूं, पिताजी की बात भी रह जाएगी और राज्य जिसका है उसको राज्य भी मिल जाएगा। लेकिन राम नहीं माने, अंत में विवश होकर के भरत को अयोध्या लौटना पड़ा। लेकिन आप जानते हैं उन्होंने राज्य का भोग नहीं किया, राज्य की सेवा की। राम ने भरत को महत्व दिया, भरत ने राम को महत्व दिया और दोनों के अंदर इतना सुंदर प्रेम कि रामायण की कहानी बन गई। क्यों? क्योंकि दोनों ने अपने अपने स्वार्थ का त्याग कर दिया। जहां भी अपने अपने स्वार्थ का त्याग किया जाएगा वहां रामायण की घटना घटेगी, सुंदर व्यवहार होगा। और जब स्वार्थ बलवान हो जाता है कि नहीं जो चीजें हैं वह चीजें मुझे ज्यादा मिलनी चाहिए और पहले मिलनी चाहिए, तब क्या होगा, कौरव और पांडव के समान आपस में कट करके लड़ करके मर जाना होगा। कौरव और पांडव एक ही परिवार के थे, दोनों भाई भाई ही तो थे, लेकिन कौरवों ने कहा राज्य हमारा है, पांडवों ने कहा राज्य हमारा है और दोनों लड़ करके मर गए। फल क्या मिला? पूरे राज्य की तबाही। ऐसे ही घर में रहने वाले लोग जब अपने स्वार्थ को श्रेय देंगे, स्वार्थ को महत्व देंगे, व्यक्तियों को महत्व नहीं देंगे, तब घर में महाभारत शुरू हो जाएगा। और जब जब स्वार्थ को महत्व नहीं देंगे, व्यक्तियों को महत्व देंगे, तब घर में रामायण बनेगी, और जब स्वार्थ को महत्व देंगे तब महाभारत होगा। हमें ये सोचना है, हमें ये जो जीवन मिला हुआ है, सुंदर जीवन मिला है, सभी संतों ने, दुनिया के सभी संतों ने एक स्वर से ये कहा है कि मनुष्य जीवन का मिलना बड़े सौभाग्य का फल है। लेकिन हमारा सौभाग्य किसमें है, हमें यह सोचना है। खाली मनुष्य का शरीर मिल गया तो हमारा सौभाग्य हो गया? मनुष्य शरीर का मिलना मात्र सौभाग्य की बात नहीं है। सौभाग्य की बात तो तब है जब हमारे जीवन में उत्तरोत्तर सुख बढ़ता जाए, आनंद बढ़ता जाए, प्रसन्नता बढ़ती जाए, शांति बढ़ती चली जाए। और यदि सुख नहीं मिला, सुख नहीं बढ़ा, दुख बढ़ गया, शांति नहीं बढ़ी, अशांति बढ़ गई, प्रसन्नता नहीं बढ़ी, अप्रसन्नता बढ़ गई, आनंद तो नहीं बढ़ा, क्लेश बढ़ गया, पीड़ा बढ़ गया, तो समझें हमारा जीवन तो पूरा का पूरा घाटे में चला गया।
हमारा मनुष्य जीवन पाना असफल हो गया। बाल बच्चे पैदा कर लेना और उनका पालन पोषण कर लेना इतने में जीवन की सफलता नहीं है। पशु पक्षी भी बाल बच्चे पैदा कर लेते हैं, उन्हें भी पाल पोस लेते हैं। देखिए, आपने देखा होगा आपके घर में छोटी सी चिड़िया घोंसला बनाती है और घोंसला बनाने के पश्चात अंडा देती है, अंडों का सेवन करती है। कुछ दिन के पश्चात अंडे से बच्चे निकलते हैं और जब बच्चे निकलते हैं तो चिड़िया, वो छोटी सी चिड़िया कहाँ कहाँ उड़ उड़ करके जाती है, वहां से अन्न के दाने या कीड़े पकड़ करके लाती है और ला करके उस बच्चे के मुख में खिलाती है। उस चिड़िया को भी मालूम है कि मुझे अपने बच्चे का पालन कैसे करना है। छोटी सी चिड़िया भी अपने बच्चे का पालन कर लेती है। गाय बच्चा देती है, गाय को भी मालूम है कि मुझे अपने बच्चे को दूध कैसे पिलाना है। और इतना ही नहीं, उसे रक्षा करने का भी उपाय मालूम है। गाय जब बच्चा दी हुई है उस समय कोई अनजान आदमी पहुंच जाए उस गाय के सामने, बच्चे उठाने लगे तो गाय पूरी सिंहनी बन जाती है, बच्चे उठाने नहीं देती है। घर का, जिस घर में गाय रहती है घर का मालिक पहुंच जाए तो कुछ नहीं करेगी गाय, लेकिन अपरिचित आदमी पहुंच जाए या उस बच्चा के सामने, गाय ने बच्चा दिया, बच्चा जमीन पर लेटा हुआ है, गाय का बछड़ा या बछिया, उसके सामने कोई कुत्ता पहुंच जाए, भेड़िया पहुंच जाए, तो गाय पूरी सिंहनी बन जाती है अपने बच्चे की रक्षा करने के लिए। तो उसे भी मालूम है कि अपने बच्चे की रक्षा कैसे करनी है। लेकिन एक बात आप लोगों को ख्याल होगा, चिड़िया बच्चे का पालन, बच्चे को जन्म देना जानती है, पालन करना जानती है। गाय भैंस घोड़ी ये सब भी बच्चा देना जानती है, पालन करना जानती है, दूध पिलाना जानती है। लेकिन कोई चिड़िया, कोई गाय, कोई भैंस, कोई घोड़ी या कोई अन्य जानवर अपने बच्चे की शिकायत नहीं करते कि क्या करें, क्या करें, जमाना बड़ा खराब आ गया, कलजुगी आ गया है, बच्चे हमारे बच्चे बातें नहीं मार रहे हैं, हमारे बच्चे से हमारी सेवा ही नहीं कर रहे हैं। वे लड़ते नहीं हैं, झगड़ते नहीं हैं, चिंता नहीं करते, भय नहीं करते। और आदमी बच्चों को पालता है, पोसता है, ये तो ठीक है, उसका कर्तव्य है, लेकिन कितनी शिकायत में उलझा रहता है आदमी कि लड़का कहना नहीं मानता, बहू कहना नहीं मानती, सास ऐसी है, ससुर ऐसे हैं, जेठ ऐसे हैं, पति ऐसे हैं, पत्नी ऐसी है। जिंदगी भर आदमी अपने कहलाने वाले लोगों की शिकायत में उलझा रहता है। पड़ोसी की शिकायत करता है, वो है गांव लोग शिकायत करता है, अनजानों की शिकायत करता है, वो तो ठीक, उनको नहीं जानते हैं आप, लेकिन जिनको आदमी अपना मानता है, अपनी पत्नी, अपना पति, अपनी माँ, अपना पुत्र, अपना पिता, अपना लड़का, अपना भाई, उनके साथ भी आदमी प्रेम से रह नहीं पाता है, शिकायत में उलझा रहता है। भाई ऐसा करता है, बेटा ऐसा करता है, माँ ऐसी करती है, बहू ऐसी करती है, सास ऐसी करती है, देवरानी ऐसी करती है, जिठानी ऐसी करती है, भाभी ऐसी करती है, तो ननद ऐसी करती है, सब एक दूसरे की शिकायत कर रहे हैं। और शिकायत का अर्थ क्या है? भीतर की कमजोरी, व्यवहार खराब होगा और अपना मन खराब होगा तो शिकायत शुरू हो जाएगी। और जहां शिकायत है वहां आदमी सुख से जीवन जी नहीं सकता है। शिकायत जहां भी आएगी वहां कमी ही कमी दिखाई पड़ेगी। कमी देखना चाहते हो तो अपनी कमी को देखो कि मुझ में क्या कमी है, दूसरे की कमी को मत देखो। सास अपनी कमी देखे, बहू अपनी कमी देखे, पति अपनी कमी देखे और पत्नी अपनी कमी
कमी को देखें, पुत्र अपनी कमी को देखें, पिता अपनी को कमी को देखें, अपनी अपनी कमी को देखने लगने लग जाए, मुझ में क्या कमी है, मुझ में क्या गलती है, मुझ में क्या त्रुटि है, और सब अपनी त्रुटि को अपनी गलती को देख करके दूर कर लें, तो जैसा शुरू में कहा गया कि आपका घर स्वर्ग बन जाएगा। दूसरे की कमी को दूसरे की तरफ आप देखते रहोगे तो कभी आपका मन प्रसन्न नहीं होगा, हमेशा कर्तव्य से भरा रहेगा, क्योंकि दूसरे में कोई ना कोई कमी आपको दिखाई पड़ेगी ही पड़ेगी। आपका मन है तो हर जगह आप दोष ढूंढ लोगे। चींटी जहां जाती है, पक्के से पक्के भवन में जाएगी चींटी तो अपना बिल खोज लेगी। हमारा मन भी चींटी के समान बन गया है, कितना प्रिय क्यों ना हो उसमें भी हमारा मन दोष खोज लेता है, और दोष खोजना अपने को ही दुखी करना है, दूसरे में दोष ना खोजे। पिता पुत्र के बीच, पति पत्नी के बीच, सास बहू के बीच, भाई भाई के बीच कैसे सुंदर व्यवहार करें, इसकी कला सीखनी होगी। अब यही कला लोग सीखते नहीं है। बिरला घर ऐसा होगा, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं कह सकते, बहुत घरों में ऐसा है कि जहां सास बहू के बीच सुंदर व्यवहार है, नहीं तो बहुत घरों में सास बहू के बीच बड़ी कड़ता है। कहते हैं कि एक लड़की की शादी होने वाली थी, तय हो गई थी। वो लड़की एक दिन अपनी जन्म कुंडली लेकर के एक ज्योतिषी के पास गई और कहा, ज्योतिषी जी कि जरा मेरी कुंडली तो देखो, कैसी है मेरी कुंडली। तो ज्योतिषी ने लड़की की जन्म कुंडली देख करके कहा कि बेटी, तेरी कुंडली ये बताती है कि तेरे पति से तेरा व्यवहार बहुत बढ़िया रहेगा, तुम दोनों एक दूसरे के साथ बड़े प्रसन्नता के पूर्वक जीवन जियोगी। उस लड़की ने कहा, ज्योतिषी जी मैं ये नहीं पूछती हूं, अपने पति के साथ कैसा व्यवहार करना, पति को खुश कैसे रखना है, इसकी कला मुझे मालूम है, ये बताओ मेरी कुंडली क्या कहती, बताओ मेरी सास से मेरी पटेगी या नहीं पटेगी, ये बताओ पहले, ये कुंडली क्या कहती है मेरी, मेरी कुंडली में मेरी सास से पटेगी या नहीं पटेगी, ये देख करके बताओ। कहां पट पाती है। बिरला घर ऐसा होगा जहां बहू कहती हो कि मुझे तो ऐसी सास मिली है जो मेरे मां से भी बढ़ करके है, और जहां पर सास कहती हो मुझे बहू क्या मिली है, मुझे तो बेटी मिल गई, और जिस घर में सास बहू के बीच मां बेटी का रिश्ता है, समझ लो उस घर में स्वर्ग का निवास है। ऐसे एक उदाहरण याद आता है कि एक घर में शादी होकर एक बहू आई। बहू आने के करीब करीब दो तीन महीने के पश्चात जब घर में कोई नहीं थे, केवल सास और बहू थी, तो भोजन करने के पश्चात घर में एक मंदिर था, वहां पर सास ने बहुत कहा कि बहू चलो उस मंदिर के में चलते हैं, घर के अंदर मंदिर था, दोनों चली गई। अब दोनों चली गई तब सास कहती है, देखो बहू, जब इस घर में मैं बहू बन करके आई थी तब मेरे बहू बन करके आने के चार महीने के बाद मेरी सास ने मुझसे बहू का रिश्ता तोड़ लिया था, मैं भी अपनी उस परंपरा को निभाना चाहती हूं, तुझे इस घर में आए लगभग तीन महीने बीत चुके हैं, और आप ध्यान देकर के सुन,
आज से इस क्षण से तेरे और मेरे बीच सास बहु का रिश्ता समाप्त। सास की बात सुनकर के बहु कांप गई एकदम, कि अभी तो मुझे थोड़े मतलब 3 महीना ही हुआ है और सास ऐसी कह रही है कैसे जीवन कटेगा। बहु कांप गई एकदम, लेकिन सास थोड़ी देर फिर कहती है, मैंने तुझसे ये कहा है कि आज से तेरे और मेरे बीच सास बहु का रिश्ता खत्म, लेकिन ध्यान देना आज से तेरे मेरे बीच माँ बेटी का रिश्ता होगा। और सास की बात सुन करके बहु दौड़ करके सास से लिपट जाती है। जो सास अपनी बहू को बेटी मान सकती है और जो बहू अपनी सास को माँ मान सकती है, वह किसी भी स्थिति में रह करके आनंद पूर्वक जीवन जी सकती है और घर में रहने का कायदा यही है। लेकिन ये कब होगा? जब आपत का व्यवहार सुंदर होगा तब। तो मैं ये कह रहा था कि जिस घर में हम रहते हैं उस घर को घर कैसे बनाए रखना है, घर घर बनेगा प्रेम से। इसलिए सदगुरु कबीर ने ये कहा है कि ढाई आखर प्रेम का पढ़े तो पंडित होए। प्रेम का ढाई आखर जो पढ़ता है वह पंडित होता है। आप अपने घर में कैसा भोजन करते हैं महत्व इसका नहीं है, महत्व है कैसे रहते हैं। तो इसके लिए प्रथम प्रवक्ता ने कहा था कि आप समझें कि आपका घर देव मंदिर है। आप अपने घर को देव मंदिर बनाना ही होगा। और देव मंदिर में कौन रहते हैं? देवता रहते हैं, भगवान रहते हैं। तो सुबह सुबह जब आपकी नींद खुले और घर के जितने लोगों को आप देखें, पिता को, पुत्र को, पति को, देवर को, जेठ को, जितने पुरुष वर्ग हैं उनको जब आप देखें, उन पर दृष्टि आपकी जाए, तो आप ये समझें कि ये सब देवता हैं और ये सब भगवान हैं। और जितनी नारियां हैं, पत्नी, माँ, बहन, पुत्री, सास, बहू, उन पर दृष्टि जाए तो ये समझें कि ये सब देवियां हैं, ये सब भगवती हैं। और ऐसी बुद्धि रख करके सबके प्रति श्रद्धा भावना रखिए, आपका जीवन आनंद से परिपूर्ण हो जाएगा। और सदगुरु कबीर की शिक्षा यही है, इस घर में रहने वाले लोग कबीर साहब के अनुयायी हैं, कबीर साहब के मानने वाले हैं। और कबीर सदगुरु कबीर ने यही हमें सीख दी है कि सभी प्राणियों को भगवान भगवती मान करके सबके साथ सुंदर व्यवहार करो, जितना बन सके सबको सुख दो। सुख नहीं दे सकते हो तो कोई बात नहीं, जानबूझ करके कभी किसी को तकलीफ मत देना। जितना बन सके सुख दो, सुख नहीं दे सकते हो तो तकलीफ तो मत ही देना। क्यों? आप सुख दोगे तो आपको सुख मिलेगा, आप दुख दोगे तो आपको दुख मिलेगा। ये तो संसार है, अदलू बदलू की दुनिया है। जैसा हम देंगे वैसा मिलेगा। यहां जितने लोग बैठे हुए हैं, अधिकतम लोग करीब करीब कहना चाहिए सब के सब किसान हैं। और किसान को यह अच्छी तरह से मालूम है कि खेत में वह जैसा बीज डालता है वैसी ही फसल तैयार होती है। धान का बीज बोता है, धान की फसल तैयार होती है। गेहूं का बीज बोता है, गेहूं की फसल तैयार होती है। चने का बीज डालता है तो चने की फसल तैयार होती है।
ऐसा तो मैंने आज तक कहीं नहीं देखा है और आप लोगों ने भी नहीं देखा होगा कि किसान ने खेत में धान का बीज बोया और जब कार्तिक में गए तो वहां गेहूं की फसल तैयार थी। ऐसा हो ही नहीं सकता। धान का बीज डालोगे गेहूं की फसल तैयार हो, ये नहीं संभव है। धान का बीज डालोगे धान मिलेगा, गेहूं का बीज डालोगे तो गेहूं फसल तैयार होगी। इसी प्रकार हमारा ये जीवन और ये पूरा संसार ये खेत है। सुख का बीज बोओगे तो आपके जीवन में सुख की फसल तैयार होगी, दुख का बीज बोओगे तो आपके जीवन में दुख की फसल तैयार होगी। किसी के लिए भी, जिस किसी को आप दुख दोगे आपको दुख मिलेगा ही मिलेगा। इसलिए जानबूझकर, चाहे घर के लोग हों चाहे बाहर के लोग हों, चाहे सास हो चाहे बहू हो, चाहे पति हो चाहे पत्नी हो, चाहे भाई हो चाहे पिता हो, चाहे पुत्र हो चाहे माता हो चाहे पुत्री हो, किसी को भी तकलीफ मत दो। कोई आदमी स्वयं तकलीफ नहीं चाहता है। अब तकलीफ नहीं चाहते हो और तकलीफ देते हो तो क्या होगा? तकलीफ मिलेगी। तकलीफ नहीं चाहते हो तो तकलीफ मत दो, सुख बांटो, प्रेम बांटो, सेवा बांटो, बस वही आपको मिलेगा। इसलिए इन सब चीजों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। जितना हम ध्यान देंगे उतना हमारे जीवन का सुंदर निर्माण होगा। और एक चीज सब जानते हैं, इस दुनिया में सदा काल रहने के लिए कोई आया नहीं है। सबको एक दिन इस दुनिया से विदा हो जाना पड़ता है। जैसे शरीर को रहने के लिए यह घर बनाया गया, हम दिन भर काम करते हैं, कोई खेत में काम करता है, कोई दुकान में काम करता है, कोई कारखाना में काम करता है, कोई ऑफिस में काम करता है, कोई और कहीं काम करता है, और काम करने से आदमी थक जाता है। दिन भर काम करके थका हुआ आदमी शाम को जब अपने घर में आता है तो उसे कितना आराम मिलता है, रात भर पूरा कितना वो विश्राम करता है। आदमी काम करता रहे, विश्राम करने को न मिले, उसके पास विश्राम की जगह न हो तो जीना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए विश्राम के लिए मकान की जरूरत है, घर की जरूरत है, शरीर को विश्राम देने के लिए, शरीर को आराम देने के लिए ये घर बना लिया गया। लेकिन हमारी जो आत्मा है, उस आत्मा के विश्राम के लिए हमने घर बनाया है या नहीं बनाया है, हमें उसका भी तो ख्याल करना पड़ेगा। हमारा ये शरीर खाली शरीर नहीं है, जड़ तत्वों से नहीं बना हुआ है, एकाएक नहीं खड़ा हुआ है, ये शरीर तो बाहर का खोल है। जैसे पहले सुना हमने, दीपक का महत्व तब तक होता है जब तक वह जलता रहता है। इसी प्रकार इस शरीर का महत्व तब तक है जब तक इसमें आत्मा का निवास है। तो और जिस दिन यह आत्मा उस शरीर से निकल जाता है, फिर माँ माँ नहीं रह जाती, पिता पिता नहीं रह जाता, गुरु गुरु नहीं रह जाते, शिष्य शिष्य नहीं रह जाता, भाई भाई नहीं रह जाते। लोग कहते हैं भैया अब तो मिट्टी पड़ी है, अब इसे ठिकाने लगा दो। जब तक इस शरीर में जीव है, आत्मा है, चेतन है, तब तक इसकी बहुत कीमत है। और इतनी कीमत है कि पूरी दुनिया की संपत्ति भी इस शरीर की कीमत के बराबर नहीं हो सकती है। तो हमें शरीर मिला है और उस शरीर के विश्राम के लिए ये घर बना लिया गया, बहुत जरूरी है।
इसमें बच्चों की, बड़े बुजुर्गों की रक्षा होती है, हमें विश्राम मिलता है। लेकिन जैसे हमने शरीर के आराम के लिए ये घर बनाया है, ऐसे ही हमें अपने आत्मा के आराम के लिए भी एक घर बनाना होगा। और वह घर ईंट, पत्थर, सीमेंट, लोहा, लक्कड़ से नहीं बनेगा, उस आत्मा के लिए ये बाहरी मकान की जरूरत नहीं होगी। वह आत्मा का घर कैसे बनेगा? भजन से बनेगा, ज्ञान से बनेगा, त्याग से बनेगा। इसलिए इस मनुष्य शरीर को पाकर के भजन करने में ही इस शरीर की सार्थकता है। भजन और भोजन, जीवन में दोनों की जरूरत है। भोजन से तन की भूख दूर होती है और भजन से मन की भूख दूर होती है। कितना भोजन कर लो, कितना भोजन कर लो, उससे आपके मन की भूख दूर नहीं होगी, आपके मन की पीड़ा दूर नहीं होगी। दुर्भाग्य यह है कि आदमी जिंदगी भर भोजन पाने के लिए मेहनत करता रहता है, भजन करने के लिए समय नहीं निकाल पाता। इसीलिए जीवन में सब कुछ मिल जाने के बाद भी दुखी का दुखी रह जाता है। तो जैसे भोजन की जरूरत है, ऐसे ही भजन की भी जरूरत है। दुनिया में सभी प्राणी को भोजन की आवश्यकता होती है, बिना भोजन के कोई जीवित नहीं रह सकता। आदमी तो आदमी, कीड़े मकोड़ों को भी उनके ढंग का भोजन चाहिए। कीड़े मकोड़ों को भोजन न मिले तो वह भी जीवित नहीं रह सके। लेकिन सुबह से शाम तक हर प्राणी, छोटा प्राणी, बड़ा प्राणी, सब के सब अपना पेट भर लेते हैं, सबको पेट भर भोजन मिल जाता है। दुनिया में कोई प्राणी भूखा नहीं रहता, सब भोजन करते हैं। लेकिन आदमी को छोड़ करके दुनिया का कोई भी प्राणी भजन नहीं कर सकता है, उन्हें मालूम ही नहीं है कि भजन भी करना चाहिए। आदमी ही ऐसा प्राणी है जो भोजन भी कर सकता है और भजन भी कर सकता है। यदि आदमी का शरीर पाकर हमने केवल भोजन किया और भजन नहीं किया तो हम में और जानवर में कोई अंतर नहीं रह गया। क्योंकि केवल जो जानवर होता है वह केवल भजन करता है, वह जानवर तो केवल भोजन करता है, भजन नहीं कर सकता। और आदमी भोजन भी करता है, भजन भी करता है। पूरी जिंदगी हमने भोजन तो किया, भजन नहीं किया, तो हमारी गणना कहां होगी? आप लोग स्वयं अंदाजा लगा सकते हो। हम क्या कहलाना चाहते हैं? जानवर कहलाना चाहते हैं, जानवर बनना चाहते हैं, या आदमी बनना चाहते हैं, मनुष्य कहलाना चाहते हैं? हमें मनुष्य शरीर मिला है, तो सत्य अर्थ में हम मनुष्य तब होंगे जब भोजन के साथ साथ हम भजन भी करेंगे। और वही काम हम भूल जाते हैं, उसको आज और कल के लिए टालते रहते हैं, और टालते टालते समय निकल जाता है। कहते साहब अभी तो आज तो फुर्सत नहीं है, आज ये काम है, कल ये काम है, परसों ये काम है, तो कहते आज साहब फुर्सत नहीं है, कल भजन करूंगा, कल सत्संग में आऊंगा, कल संतों के पास आऊंगा। रोज कल के लिए टालता जाता है। और होता क्या है, कल कल करते करते कल तो नहीं आ पाता, कल कल करते करते काल आ जाता है। और जब काल आ गया तब कुछ करते नहीं बन पाता है। उस दिन आदमी पश्चाताप करता है कि क्या करें, जिसके लिए जीवन मिला था वह काम मैं नहीं कर पाया। इसलिए किसी ने कहा है, फुर्सत के वक्त में ना सुमिरन का वक्त निकला,
उस वक्त वक्त मांगा जब वक्त तंग आया। जिंदगी भर आदमी फुर्सत नहीं निकाल पाता है और एक दिन ऐसी फुर्सत मिलती है कि फुर्सत है फुर्सत, लेकिन उस दिन कुछ किया नहीं जा सकता, करने का चांस खत्म हो गया। वह दिन आने के पहले ही हमें भजन में लग जाना होगा और वही भजन ही, उस भजन से ही आत्मा का मकान, आत्मा का घर, आत्मा का मंदिर बनेगा। भजन क्या है? भजन है आत्मचिंतन करना, भजन है आत्मशोधन करना, भजन है सद्गुरु द्वारा हमें जो ज्ञान मिला हुआ है उस ज्ञान में मन को लगाए रखना। शुरुआत का भजन यही है, गुरु ने हमें जो ज्ञान दिया है उस ज्ञान में अपने मन को बराबर जोड़े रहना। शरीर से तो काम करना पड़ेगा, बिना काम किए जीवन गुजर होगा नहीं, बिना काम किए भोजन मिलेगा नहीं, तो शरीर से तो काम करना है, लेकिन मन को गुरु के ज्ञान में, राम में, आत्मा में लगाकर रखना है। इसलिए सद्गुरु कबीर ने कहा है, कर से काम मन से राम, कहे कबीर सरे दो काम, हाथ से शरीर से काम करते रहो, लेकिन मन को गुरु के ज्ञान में, राम में, आत्मा में लगा रखोगे तो दोनों काम बनेगा, व्यवहार का भी काम बनेगा और परमार्थ का भी काम बनेगा। व्यवहार में जरूरी है सबका सहन करके, छोटे का, बड़े का, अपने का, पराए का, परिचित का, अपरिचित का, सबको सहन करके, अपने मन को मारकर जितना बन सके दूसरे के साथ प्रेम का सुंदर व्यवहार करना और जितना बन सके सेवा करना। और परमार्थ के लिए जरूरी है ये समझते रहना कि थोड़े दिन में वह दिन आने वाला है जब जो दिन यहां से विदाई का दिन होगा। शादी के पश्चात लड़की की विदा होती है, उसकी विदाई हो जाती है अपने मायके से, और विदा होने के पश्चात लड़की चली जाती है ससुराल। हमारी भी वो विदाई का दिन आना होगा जब हमें भी अपनी ससुराल जाना होगा। और ससुराल कौन है ये बाहर के नहीं कर रहा हूं मैं, ये पूरा संसार मायका है, क्योंकि यहाँ पर शरीर जन्मा हुआ है। लड़की जहाँ जन्मती है जिस घर में उसका मायका होता है, और विवाह के पश्चात जहाँ जाती है पति के घर वो ससुराल होती है। इस शरीर, इस संसार में हमारा शरीर जन्मा हुआ है तो संसार मानो एक मायका है, नैहर है। विदाई का दिन जहाँ आए, जिस दिन आना है, और जब हमें आत्मा के घर जाना होगा वो हमारी ससुराल होगी। उस आत्मा का घर कहाँ है हमें मालूम ही नहीं है। उस आत्मा का घर को जानने के लिए जरूरत है संतों से जुड़ने की, गुरुजनों से जुड़ने की और स्वयं को परखने की। तो व्यवहार का भी काम करना है और परमार्थ का, अध्यात्म का भी काम करना है। जब दोनों का काम हो जाएगा तब हमारा ये मानव जीवन सही अर्थों में सफल होगा, अन्यथा जिस काम के लिए जीवन मिला था वह कामना कर करके हम अन्य अन्य कामों में इस अनमोल जीवन को समाप्त कर देंगे। परिणाम क्या होगा? यहां से पछताते पछताते विदा होना, जीवन में पश्चाताप ना करना पड़े, अंतिम समय में पश्चाताप ना करना पड़े, उसके लिए हम सबको भजन में लगना होगा। आपको आपके गुरु ने जो ज्ञान दिया है उस ज्ञान का आप स्मरण करें। इसके लिए जरूरी है कि प्रतिदिन आप कुछ समय निकालें। कभी ऐसा अवसर हो सकता है जब बहुत ज्यादा काम हो, किसानों के पास कभी कभी साल में ऐसे कुछ काम आते हैं जिसमें उन्हें बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, जैसे धान बोने के समय में,
धान काटने के समय में और धान मिंजने के समय में, लेकिन आजकल तो उसमें सरलता हो गई है। किसी के पास गए ट्रैक्टर वाले के पास, भैया मेरे खेत में जाना जरा धान बो देना, घर वाला मालिक बैठा हुआ है ट्रैक्टर वाला बो करके आ गए, उसमें भी सरलता हो गई। धान काटना है उसकी भी मशीन आ गई हार्वेस्टर, अब वो काटना भी नहीं है मिंजना भी नहीं है, अब तो उसमें भी सरलता हो गई है। लेकिन दुर्भाग्य यह है मशीनीकरण होता गया, मशीन बढ़ती गई और आदमी की फुर्सत घटती चली गई। पहले तो आदमी खुद खेत में जाकर के हल चलाता था, दिन भर हल जोतता था और उसके पश्चात घर में आता था तो थोड़ा बहुत कुछ पाठ पूजा कर लेता था, निंदाई करके आता था तो घर में थोड़ा बहुत कुछ पाठ पूजा कर लेता था, धान काट कर आता था तो भी कुछ भजन सत्संग कर लेता था, मिंजाई समय भी समय निकाल लेता था। जब मशीनें नहीं थी तब आदमी कुछ समय निकाल लेता था। आज मशीन बढ़ गई है, सब तरफ मशीन, लेकिन हर आदमी कह रहा है क्या करें साहब फुर्सत नहीं है, हर आदमी कह क्या करें साहब समय नहीं है, फुर्सत पता नहीं है फुर्सत कहाँ खो गया है, किसने इस फुर्सत को छिपा करके रख दिया है। हर कोई भाग रहा, हर किसी के पास बहाना, साहब बहुत व्यस्त हूँ, बहुत बिजी हूँ, फुर्सत नहीं, हर कोई कह रहा है। अब ये केवल बहानाबाजी है। एक कहानी याद आती है कि फुर्सत नहीं हूँ आदमी कहता, उसके लिए एक आदमी था, एक दफ्तर में काम करता था और हर समय कहता था कि मैं बहुत बिजी हूँ, मुझे फुर्सतें नहीं है। घर में आ तो भी ऑफिस का काम, पत्नी कुछ कहे सुनो जी ऑफिस जा रहे हो तो बाजार से ऑफिस लौटते समय बाजार से ये चीज ले आना, कहे देखो मुझे फुर्सत नहीं है मैं बहुत बिजी हूँ, लड़के से अनौकर से मंगा लेना। हमेशा ऐसे कहा दिया करता था मैं बहुत बिजी हूँ। एक दिन वो ऑफिस से आया, ऑफिस आने के पश्चात फिर काम करने लग गया। उसकी पत्नी ने कहा अरे तुम अभी ऑफिस से आए हो फिर काम में लगे, देखो खाने का समय हो गया है कम से कम खाना तो खा लो। तो उसने कहा सुनो अभी मैं बहुत बिजी हूँ, मुझे पास तुम तो खाने को कहती हो, मैं मुझे मरने के लिए फुर्सत नहीं है, मैं इतनी बिजी हूँ मुझे मरने के लिए फुर्सत नहीं है। उसकी पत्नी ने कहा सुनो मरना हो तभी मत मरना, मेरे पास रोने के लिए फुर्सत नहीं है, मैं भी बहुत बिजी हूँ। तो पति को मरने के लिए फुर्सत नहीं है तो पत्नी को तो रोने के लिए फुर्सत नहीं है, सब बिजी हो गए हैं। तो ये केवल बहानेबाजी है भाई। इसलिए मैं ये कह रहा था कि जैसे सुबह से शाम तक आप व्यवहार का काम करते हो, खेती का, दुकान का, नौकरी का, और क्यों करते हो, जीवन चलाने के लिए, शरीर चलाने के लिए, ऐसे ही आत्मा की भूख को मिटाने के लिए, मन की भूख को मिटाने के लिए प्रतिदिन थोड़ा समय निकालो, रात्रि में घर के लोग जब इकट्ठे हो जाओ तो आपस में बैठो और अपना जो धर्म ग्रंथ है उसका थोड़ा पाठ करो। दुर्भाग्य यह गुरु का ज्ञान भूल गया, गुरु का ग्रंथ भूल गया। अब तो आजकल सबसे बड़ा देवता कौन है, घर घर में विराजमान टीवी भगवान, आज का सबसे बड़ा भगवान हो गया है टीवी। छोटे हो बड़े हो बूढ़े हो महिलाएं हो चाहे जो हो सब के सब टीवी के सामने बैठ गए, पाठ भूल गया, भजन भूल गया, सत्संग भूल गया, गुरु का ज्ञान भूल गया, सब भूल गया। तो जीवन में दुख तो आएगा, पीड़ा तो मिलेगी, मन अशांत तो रहेगा। अब आज के जमाने में लोगों को यह कहना कि टीवी मत देखना, देखो लोग कहेंगे कि कैसा पागल आ गया है, यह तो नहीं कहा जा सकता भाई कि टीवी मत देखो, इतना ही कहा जा सकता है थोड़ा कम देखो, इसी में कुशलता है, नहीं तो हमारी बात को मानेंगे ही नहीं। तो टीवी
देखो लेकिन थोड़ा कम देखो, उसमें थोड़ा फुर्सत निकालो। और टीवी ने क्या नुकसान किया है मालूम है आप लोगों को? टीवी ने कुछ और किया हो या ना किया हो, टीवी ने आदमी के आंख की शर्म को समाप्त कर दिया है। जिस बात को मां बेटी से नहीं कह सकती थी, बेटा पिता बेटा से नहीं कह सकता था, जिस दृश्य को मां बेटा बहू साथ देख नहीं सकते थे, टीवी में उसी बात को ससुर बहू बेटा मां के साथ बैठ करके देख रहे हैं। तो ऐसा होता कि नहीं होता है? न तो ससुर को बहू का लिहाज है, न बहू को ससुर का लिहाज है। टीवी ने आदमी के आंख के शर्म को एकदम समाप्त कर दिया है, सबको बना दिया है निर्लज्ज। किसी की कोई मर्यादा नहीं रह गई है, छोटे की बड़े की सबकी। तो मैं तो ये कह रहा था कि टीवी थोड़ा कम देखो और रात्रि में घर के लोग बैठकर थोड़ा सा अपने गुरु के ग्रंथ का पाठ करो। लल्लू राम जी कबीर साहब के अनुयायी हैं, तो इस घर में सुबह हो या शाम हो, जिसमें घर के लोग एक साथ बैठ सकें, रोज थोड़ा सा कबीर साहब की वाणी का पाठ करें, भजन गाएं, एक आध थोड़ा बहुत ग्रंथ पढ़ें। आधा घंटा ही नियमित रूप से यदि आप आधा घंटा समय निकालते हो तो देखोगे कि आपके घर का वातावरण इतना बढ़िया हो गया है कि आपको स्वयं आश्चर्य होगा। रोज समय निकाल, कम से कम आधा 24 घंटे में आधा घंटा का समय अपने गुरु के लिए दें, अपने आत्मा के लिए दें, तो आपका जीवन एकदम स्वर्गमय बन जाएगा, आपका शरीर आपका घर मंदिर बन जाएगा। और जो आदमी जहां है, जो कबीर साहब के अनुयायी हैं, वे कबीर साहब के ग्रंथ का पाठ करें, जो किसी और के अनुयायी हैं, वे अपने अपने गुरु के ग्रंथ का पाठ करें। जहां जिसकी निष्ठा हो उसमें हमारा कोई ये नहीं कहना है नहीं जी कि सबके सब लोग कबीर साहब की वाणी का पाठ करें, ऐसा हम नहीं कहते। जहां जिसका प्रेम हो, जहां जिसका विश्वास हो, जहां जिसकी निष्ठा हो, वो अपने अपने गुरु के अपने अपने धर्म ग्रंथ का पाठ करे, एक आध कोई भजन गाए, थोड़ी सत्संग की चर्चा करे, थोड़ी सी पूजा कर ले, आरती कर ले, उसके पश्चात सब भोजन करो। तो सत्संग करने से, ज्ञान चर्चा करने से सबका मन की जो गांठ है वो गांठ खुल जाएगी, सबका मन हल्का फुल्का हो जाएगा। और हल्के फुल्के मन में जब एक साथ मिलकर के भोजन करोगे तो बड़ा आनंद आएगा और नींद भी आपको रात में बहुत गहरी आएगी। और सुबह जब आपकी नींद खुलेगी तो आपके शरीर में बड़ी ताजगी रहेगी, स्फूर्ति रहेगी, बड़ी ताकत मिलेगी आपको। जैसे शरीर में कोई रोग लगता है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर दवाई के साथ साथ देता है टॉनिक, जिसे शरीर में जल्दी टॉनिक आए। ऐसे ही मन की जो शक्ति घट जाती है, उस मन को के लिए टॉनिक क्या है? यही भजन, चिंतन, आरती, वंदना, पूजा पाठ, सत्संग। अब ये टॉनिक हम लोग बिल्कुल भूल गए तो बाहर का धन बढ़ता गया और भीतर से मन खाली होता गया। तो भाई जैसे बाहर का धन बढ़ा है, ऐसे ही भीतर का धन, ज्ञान धन को बढ़ाओ, भक्ति धन को बढ़ाओ, श्रद्धा धन को बढ़ाओ और सेवा सहायता के धन को भी बढ़ाते चलो। देते रहोगे, कुछ देते रहोगे तो आपको कमी नहीं होगी। जिस कुआं का पानी बराबर निकलता रहता है, उस कुआं का में पानी बराबर आता रहता है और पानी ताजा रहता है। और जिस कुआं का पानी नहीं निकाला जाता, वह कुआं का पानी सड़ जाता है, किसी काम के लायक नहीं रह जाता। इसी प्रकार आप में कुछ देने की प्रवृत्ति रहेगी, दान धर्म की प्रवृत्ति रहेगी, सेवा की प्रवृत्ति रहेगी, तो आपका मन शुद्ध बना रहेगा, आपका धन शुद्ध बना रहेगा और आपको जीवन में कभी कमी का अनुभव नहीं होगा। इसलिए अपनी वाणी को मैं थोड़े विराम देता हूं, हम शुरू से थोड़ा चले। मैं संक्षिप्त में पुनः दोहराता हूं,
जैसे ईंट, लोहा, लकड़ी, सीमेंट, बालू, गिट्टी आदि से लल्लू राम जी ने एक मकान का निर्माण किया है, ऐसे ही अब इस मकान को घर में रहने वाले जितने भी लोग हैं सब घर बनाएं, देव मंदिर बनाएं, और उसके लिए जरूरत क्या है? प्रेम की, सेवा की, समता की, सहनशीलता की, एकता की, विनम्रता की, एक दूसरे के प्रति समर्पण भावना की। किसी से कोई गलती हो जाए तो उसे प्रेम से समझा दो, उससे बैर ना करो, लड़ो मत। लड़ लड़ करके जीवन पूरा नरक बन जाएगा, और जहां विनम्रता पूर्वक समझाया जाएगा वहां जीवन आनंदमय बन जाएगा। तो इस प्रकार से ऐसा व्यवहार करो कि सबका मन एकदम हल्का फुल्का रहे। इसके साथ साथ अपना जीवन गुजर तो हर कोई कर लेता है। मैंने कहा था कि पशु पक्षी भी अपना पेट भर लेते हैं, लेकिन अपना पेट तो भी आदमी भरे, उतने में क्या विशेषता, अपना पेट सब भरते ही हैं। जो कुछ आप कमाते हैं उसमें से जो आपको बन सके, दीन दुखी, अपाहिज, अंधे लूले लंगड़े, संत गुरुजन, सार्वजनिक जहां सेवा की जगह है वहां भी कुछ सेवा सहायता दान करते रहो। इससे आपको देने की प्रवृत्ति रहेगी, मन हल्का रहेगा, और आपका जो धन है वह भी शुद्ध होता रहेगा। साथ साथ सबके सब लोग बैठ करके रोज थोड़े से गुरुवाणी का, कबीरवाणी का पाठ करो, थोड़ा सत्संग करो, थोड़े पूजा करो, और थोड़ा सा बैठ करके ध्यान चिंतन करो। इस प्रकार से करते रहेंगे तो व्यवहार भी सुंदर रहेगा, परमार्थ भी बढ़िया रहेगा, तन की भूख मिटेगी, मन की भूख मिटेगी, तन को आराम मिलेगा, मन को आराम मिलेगा, और इसी आराम के लिए ही आदमी घर बनाता है। तो जैसे हम तन के लिए घर बनाए हैं वैसे मन के लिए घर बनाएं, और हमारी शुभकामना है कि लल्लू राम जी उनके परिवार के लोगों ने ऐसी मेहनत करके जो इतना सुंदर घर बनाया, अब सब ऐसे ही मेहनत करके प्रसन्नता पूर्वक सुंदर जीवन जिए और सेवा भक्ति सत्संग के क्षेत्र में आगे बढ़ते हुए आत्मकल्याण के मार्ग में भी आगे बढ़ें और इस जीवन को सफल बनाएं। इन्हीं के साथ आप सबको धन्यवाद देते हुए और आप सबके प्रति शुभकामना करते हुए अपनी वाणी को मैं यहीं पर विराम देता हूँ।